इन चौंकाने वाले आंकड़ों पर हम में से ज्यादातर लोग दुखी हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं या गुस्सा कर सकते हैं। लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनमें से कुछ नहीं किया। उन्होंने बस एक फैसला किया इन आंकड़ों को सुधारने का। उनके नाम है विक्रांत तोंगड़ और रामवीर तंवर। मैं विक्रांत तोंगड़ और मैं एक 30 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ। हम लोग एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लेक रिवाइवल भी एक इनिशिएटिव है और हमारा उद्देश्य है कि एनवायरमेंटल जस्टिस के लिए हम लोग काम करें, पेड़ पौधे जमीन को बचाने के लिए काम करें। मेरा नाम रामवीर तंवर है। कॉलेज टाइम से ही एक छोटी मोटी एक्टिविटी थी जल चौपाल, लेकिन अभी तालाबों के रिवाइवल तक पहुँच गई है। तालाबों को पुनर्जीवित करने का एक शौक है, उसी को अब पैशन बना लिया है, उसी को काम बना लिया है। और इसी सीरीज में अभी तक 12 से ज़्यादा तालाबों को पुनर्जीवित कर चुके हैं जो कि डंपिंग ग्राउंड बन गए थे। तालाबों के निराश करने वाले आंकड़ों को सुधारने के लिए, सूखे तालाबों को भरने के लिए, गंदे तालाबों को साफ करने के लिए विक्रांत और रामवीर ने खुद उठाए फावड़े और कुदालें, जागरूक किया लोगों को और जुड़ गए हर उस काम में जिससे खत्म हो रहे तालाबों और वाटर बॉडीज को बचाया जा सके। विक्रांत और रामवीर दोनों ही उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके के गांवों में पले बढ़े हैं और इन दोनों ने अपनी इसी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि भी बनाया है। इस इलाके ने अपने कई तालाब खो दिए, या तो गंदगी या फिर अतिक्रमण की वजह से। अब इन सूखे पड़े तालाबों के लिए विक्रांत रामवीर की जोड़ी उम्मीद की एक किरण लेकर आई है। लेक्स को लेके नोएडा, ग्रेटर नोएडा या दिल्ली NCR की कंडीशंस बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। जैसे नोएडा की बात करें, लगभग 250 से 300 वाटर बॉडीज होते थे, आज एक भी नहीं है। तो ग्रेटर नोएडा उसी से सटा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है। तो दोनों शहरों में वाटर बॉडीज़ की, लेक्स की, वेटलैंड्स की क्रिटिकल हालत होने की वजह से, क्रिटिकल से मेरा मतलब है कि वो या तो कूड़ेदान में कन्वर्ट हो चुके हैं, या उनको एनक्रोच कर लिया गया है, या अनटेड एफ्लुएंट इतना आता है उनमें कि वो किसी काम के नहीं रहे हैं। जहाँ तक हमारे इनिशिएटिव की बात है, हम लोग 2010-11 में इस पर हमने फोकस किया कि इस पर कुछ काम किया जाना चाहिए। उसके लिए अलग अलग इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, लीगल बैटल भी हम लोगों ने एक तरह से झेला, कानूनी रूप में भी इसके लिए लड़ाई लड़ी है। फिर हमें लगा कि इसके लिए हमें भी पानी में उतरना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या सोचते हैं लोग कि साफ़ सफाई का काम जो है वो निचली जाति के लोग, या आप समझ सकते हैं कि भाई हम तालाब में क्यों घुसेंगे, या जो लोग संभ्रांत हैं या जो कैपेबल हैं, जो अपनी जॉब कर रहे हैं, वो तालाब में क्यों आए, तालाब की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। ऐसी एक मान्यता है कि तालाब में अब करने को कुछ नहीं है, लेकिन हमें लगा कि कुछ इनिशिएटिव टीम मिलकर अगर कुछ कर सकती है, तो हमारा फोकस है कि तालाबों को साफ साफ किया जाए, उनको रिवाइव किया जाए जितना हो सकता है। जहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन की बात है, सोशल एक्शन फॉर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एक हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, और हमारा फोकस वाटर बॉडीज़ के अलावा और भी एनवायरनमेंटल इश्यूज़ पे, एयर पोल्यूशन की भी बात हम लोग करते हैं, स्टबल बर्निंग को कैसे कंट्रोल करना है जिससे कि एयर पोल्यूशन ना हो, और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है, वेस्ट मैनेजमेंट, लगभग 20 पर्यावरण मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट आपस में इंटरकनेक्ट है। वाटर, एयर, सॉइल, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं, तो क्यों ना हम सभी मुद्दों पर मिलजुल कर काम करें। तो ये इस थॉट के साथ एनवायरमेंटल जस्टिस का विजन को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आज के समय में जब पर्यावरण की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है, हम सबको तालाबों की अहमियत, उनके सूखने की वजह और उनको बचाने के तरीके जानना समझना बहुत जरूरी है। पिछले 30-40 साल में चीजें इतनी बदली हैं कि लोगों को लगा है या ऐसा महसूस होता है कि तालाब अब किसी काम के नहीं है, क्योंकि बोरवेल आ गए हैं, बोरवेल से पानी ले लेते हैं, और लोगों को लगता है कि यह केवल पानी का स्रोत था तालाब, लेकिन वो केवल पानी लेने के लिए नहीं था, वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, वो गांव की इकोलॉजी को डेवलप करने के लिए, वो वहाँ वेजिटेशन डेवलप हो सके उसके लिए भी था, और एक कनेक्शन था गाँव के लोगों का और पानी का, जो अब ब्रेक हो गया है। तो ये कंडीशन यहाँ पर है, 700-800 तालाबों में से मुश्किल से 200 तालाब तालाब जैसे दिखने में लगते हैं।
जब बात रिवाइवल और सफाई की आती है तो सबसे पहले गंदगी निकालना, टीम के साथ गांव वालों को मोबिलाइज कर या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ फंड या जेसीबी के माध्यम से मशीन के माध्यम से गंदगी को हटाना। दूसरा स्टेप है कि उस गंदगी हटाने के बाद उसमें जो गंदा पानी आ रहा है उसका कोई नेचुरल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तीसरा है प्लांटेशन किया जाए तालाब के आसपास। तो इस तरह से एक वाटर बॉडी को लेके हमारा फोकस है कि गांव वालों को कनेक्शन दोबारा डेवलप किया जाए, उसकी महत्ता बताई जाए। और तालाबों का आज भी महत्व है क्योंकि आज भी तालाब को हम एक तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये एक इनिशिएटिव है, एक आइडिया है जिसमें कम्युनिटी लेवल पर काम हो रहा है। गांव में जो बुजुर्ग हैं वो बता देते हैं कि कहाँ तालाब है, या बच्चों की नॉलेज में या यंगस्टर्स की नॉलेज में भी ये होता है। अगर वो तालाब अभी ऐसी हालत में कि केवल उसमें कूड़ा है, थोड़ा बहुत पानी है, तो उसको इजीली साफ़ किया जा सकता है। लेकिन जो तालाब पूरी तरह से एनक्रोज हो गया, वहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग बन गई है, तो उसमें फिर हमें लीगली जाना होगा उसको डिमोलिशन कराने के लिए। दोबारा से फिर एक पूरा एक तरीका है उसको रिवाइव करने का, वो भी जो डेड लेक्स हैं उनको भी रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन उसका हमें नेचुरल वाटर सोर्स को देखना होगा, कहाँ से है पानी आता, कहाँ से था। हमारे देश में ज़्यादातर जगह ये देखा गया है, 6 लाख के करीब गाँव में ज़्यादातर गाँवों में 2-3 तालाब हैं एक गाँव में, तो वो पूरा अलाइनमेंट देख के बनाए गए हैं। अभी हम इंटेक जो कि रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ स्टडी कर रहे थे, उन्होंने हमें ये बताया कि जितने भी तालाब बने हैं जब सैटेलाइट सर्वे किया गया है वो एक तरह से गांव के जो नीचे का हिस्सा है वहाँ बनाए गए हैं। तो गांव वालों को से बात करके ये आइडेंटिफाई करना आसान है कि तालाब कहाँ है। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो तालाब होना जरूरी है, या फिर कोई सरकारी ज़मीन है या प्राइवेट ज़मीन है जो देने को तैयार है तालाब के लिए, वहाँ भी तालाब बनाया जा सकता है। एक बार ये आइडेंटिफाई होने के बाद कि ये तालाब के लिए चिन्हित ज़मीन है, वहाँ देखना होगा कि काम करना क्या है। अगर गंदगी साफ करनी है तो गंदगी को निकाला जा सकता है, या डेड लेक का जैसे मैंने बताया। लेकिन उसके बाद जो मेजर चैलेंज आता है कि गांव वालों को कॉन्फिडेंस में लेकर उसमें उनकी सहभागिता होना। देखिए ये काम बाहर से स्टाफ आके बाहर से लेबर लेके किया जा सकता है, लेकिन जब तक गांव के वॉलेंटियर्स को, गांव के बुजुर्ग, गांव के युवाओं को उसमें नहीं जोड़ा जाता है तब तक वो काम पूरी तरह से सक्सेस नहीं होगा। क्योंकि आप करने आएंगे, गांव वाले फिर गंदगी कर देंगे। अगर गांव वाले खुद गंदगी को साफ करेंगे तो वो उसको दोबारा गंदा नहीं करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। तो स्टेप की अगर आप बात करें, जैसा आपने कहा कि अगर कोई ले मैन इसको साफ करना चाहे तो क्या करना चाहिए, आइडेंटिफाई करने का तरीका जैसे हमने बताया। दूसरा तरीका आता है कि सफाई कैसे करनी है। सफाई करने के 2 तरीके, मैनुअली कर सकते हैं या मशीन की भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा इसके लिए बहुत सारे ट्रेंड लेबर हैं, उनकी मदद हम ले सकते हैं इसमें। सफाई के बाद मेजर जो चैलेंज होता है कि दोबारा गंदगी ना आए। गंदगी 2 तरह की होती है, एक तो सॉलिड वेस्ट, क्योंकि गाँव में कूड़े की व्यवस्था नहीं है, बल्कि शहरों में भी, तो वो जो गंदगी तालाब तक ना आए उसके लिए इंतजाम करने होंगे, डस्टबिन लगाने होंगे गाँव में और तालाब के आसपास। इसके अलावा जो गंदा पानी अनट्रीटेड एफ्लुएंट है वो वहाँ तक ना आए, उसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट मेथड है। उसके लिए आप छोटा STP भी लगा सकते हैं या नेचुरल ट्रीटमेंट प्रोसेस भी कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट के बाद या सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करने के बाद प्लांटेशन। कोशिश ये करनी चाहिए हमें तालाब को साफ करते वक्त, एक तो वो लगातार साफ रह सके ऐसा मॉडल डेवलप करें, दूसरा साफ करते वक्त कोई ऐसा काम ना कर दे जैसे कई जगह देखा जा रहा है, कई कॉरपोरेट ने भी ये किया है कि रिचार्ज वेल बना दिए हैं, बोरवेल कर दिए हैं तालाब के बीचों बीच पानी के अंदर, जिससे कि बारिश का पानी नीचे जा सके, जो कि अपने आप में डिजास्ट्रस होता जा रहा है। क्योंकि अगर वो प्यूरीफाई होके नहीं जाएगा पानी जमीन में तालाब के थ्रू, तो वो कहीं ना कहीं आसपास के जो ग्राउंड वाटर है उसको गंदा करेगा, जिससे वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ेगी। तो इसमें हमें कोशिश करनी होती है कि गंदा पानी रिचार्ज ना करें हम। और वाटर हायसिंथ को कंट्रोल करने के लिए कई सारे मेथड हैं। वाटर हायसिंथ को कंट्रोल करना जरूरी, क्योंकि वाटर हायसिंथ जिसको जलकुंभी कहते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के सभी वाटर बॉडीज़ पर, डिटर्जेंट्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है तो डिटर्जेंट की लिमिट तय करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो पैरामीटर्स है डिटर्जेंट्स के वो अलग हैं, हमारे देश में पैरामीटर से कहीं ज़्यादा डिटर्जेंट्स यूज हो रहे हैं, फॉस्फेट वगैरह यूज हो रहा है डिटर्जेंट्स में। तो फॉस्फेट की लिमिट के लिए अलग से कोर्ट में चीज़ें चल रही हैं, वो लिमिट होगी, लिमिट तय होगी तो हमारी वाटर बॉडीज़ में वाटर हायसिंथ उससे भी कम होगा, लेकिन वाटर हायसिंथ के लिए अलग से भी काम करना होगा, तभी ये चीज़ें कहीं ना कहीं साफ रह सकती हैं। आज हम जहाँ यहाँ बैठे हुए हैं ये तो एक बड़ी वाटर बॉडी है, तो यहाँ सूखने का तो इशू नहीं है, लेकिन आज आप लोग यहाँ सफाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे आप लोग? बिल्कुल, देखिए जो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ में
जो इशू नज़र आ रहे हैं वो ये है, एक तो गार्बेज बहुत ज़्यादा है, गार्बेज की वजह से वो डलता रहता है, इनलेट्स के थ्रू आ जाता है, तो धीरे धीरे वो डंपिंग ग्राउंड में कन्वर्ट होते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है, और भी दो बड़े इशू हैं, उसमें एक है वाटर हाइसिंथ होना, वाटर हाइसिंथ की उसमें यूट्रोफिकेशन हो जाना, ये भी एक बड़ा इशू है। और इस वजह से जो एक प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जो धूप है वो पानी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। जैसे वो पानी अंदर पेनिट्रेट करना बंद करती है, पानी के अंदर भी फाइटोप्लैंक्टस है, पानी के अंदर भी एक एक्वेटिक लाइफ है, वो पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे वो फाइटोप्लैंक्टस अपना काम करना बंद करते हैं, उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, बीओडी उसकी बढ़ जाती है, और नीचे की फिशेस वगैरह हैं बहुत सारी, वो डैमेज होने लगती हैं, तो पानी का कलर हमें अपने आप ही नेचुरली काला हो जाता है, फिर वो सड़न उसमें पैदा हो जाती है। आज जो हम यहाँ पे कर रहे थे वो जलकुंभी को और गार्बेज को निकालने का प्रयास किया, जितना हमसे निकल पाता है, हर संडे को निकालते हैं अलग अलग तालाबों पे वॉलंटियर्स की मदद से, ग्रामीणों की मदद से, तो जितना निकल पाता है निकलता है। एक बार जलकुंभी निकलने के बाद वहाँ पे इकोसिस्टम अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसमें धूप नीचे पहुँचने लगती है, पक्षी अपने आप आना शुरू हो जाते हैं, उसमें फिशेस ग्रो करने लगती है, तो ये पूरा फ़र्क दिखता है। और पानी जो नीचे सड़ जाता है वो भी पानी फिर थोड़ा सा साफ कलर का दिखने लगता है, तो वहाँ पे ये जो असर है वो साफ साफ देखा जा सकता है। तालाब की सफाई और संरक्षण के इन्हीं तरीकों को अपनाकर जिन तालाबों को विक्रांत और रामवीर ने नया जीवन दिया है, उनमें से एक है डाबरा गांव का ये तालाब, जो कि कुछ साल पहले एकदम सूख चुका था। तो ये जो आज हम बहुत खूबसूरत सा साफ सुथरा तालाब देख रहे हैं, बतकी भी है मेरे ख्याल से, बिल्कुल हाँ, बर्ड्स हैं। ये जब आपको मिला था तब किस हालत में था? ये जब तालाब था काफी गंदगी इसमें थी, काफी कूड़ा इसमें था, प्लास्टिक तमाम जैसे अमूमन कूड़ेदान की तरह यूज हो रहा था, पानी इसमें था और वाटर हाइसिंथ भी काफी देखा जाता था। इसके आसपास कोई पेड़ नहीं थे, लेकिन इसको अभी तो घास दिखाई दे रही है, लेकिन इसको काफी क्लीन किया गया, प्लांटेशन ड्राइव किया गया और इसको एक तरह से कम्युनिटी लेवल पर ही इसको पूरी तरह से साफ किया गया है। गांव वालों के कोऑपरेशन से आज ये मेंटेन है। अमूमन हमने बहुत सारे तालाब साफ किए हैं लेकिन उनमें से मेंटेन नहीं हो पा रहे, ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि ये मेंटेन भी है। चाहे समाज की सोच हो या सिस्टम की मजबूरियां, उनको बदलने के लिए युवाओं के नए तौर तरीकों, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज और समाज सेवा के जुनून की बहुत जरूरत है, और ये सब कुछ है विक्रांत, रामवीर और उनके साथियों में। चार पांच साल से हम और रामवीर साथ मिलकर काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में बहुत सारे और युवा साथी आके जुड़ गए हैं। जहां एक तरफ लोगों में एक होड़ चल गई थी दूसरे तरह की, कि बस सेल्फी की तरफ फोकस था, लेकिन उसी सेल्फी को तालाबों से जोड़ना या उसी चार्म को इस वाटर बॉडीज को रिवाइवल तक लेके आना, ये कहीं ना कहीं हमारी टीम कामयाब रही है और ये एक जॉइंट इनिशिएटिव रहा है, गांव वाले या वॉलंटियर्स इन सब की मदद से ये चीज़ हुई है। जहां तक कितने वाटर बॉडीज की बात है, एक दर्जन वाटर बॉडीज पर इस पूरी टीम ने काम किया है पिछले कुछ वर्षों में, लेकिन और ज़्यादा काम करना चाहते हैं। थोड़ा अपने जो बाकी वॉलंटियर्स हैं साथियों के बारे में बताइए कुछ खास बातें। बिल्कुल, देखिए बिना वॉलंटियर्स के तो हम कुछ भी नहीं है, है ना, कोई अकेले का किसी का इनिशिएटिव हो सकता है लेकिन वो आगे तभी बढ़ेगा जब उसके साथ एक टीम होगी। तो हमारे वॉलंटियर सभी अलग हमारी तरह अलग अलग फील्ड से आए हुए हैं। जैसे एक मेरा साथी है अमित कुमार, पेशे से एडवोकेट है, लेकिन वो एक बार तालाब रिवाइव हो गया, कैसे उसका मेंटेन होना है, जाके उनकी देखना है कि कौन से तालाब में गंदगी है, किस तालाब में जो एक्वेटिक फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, वो कैसी चल रही है, किस तालाब में लोगों को परेशानी हो रही है, तो वो पूरा देखते हैं। दूसरा एक मित्र पवन खटाना जी हैं, तो वो डॉक्टर पेशे से हैं, तो वो जब जल चौपाल में जाते हैं तो लोगों को बताते हैं कि आप के पास जो तालाब गंदा है, इससे ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूट हो रहा है, उसकी वजह से आपको क्या बीमारियां हो सकती है। वकील जो मेरा फ्रेंड है, उसका काम है कि आपको क्या लीगल प्रॉब्लम हो सकती है आपने जो तालाब पे एंक्रोचमेंट किया है। तो सब अपने अपने एक्सपर्टीज है सबकी और अपना अपना समय देते हैं लोग, और उन्हीं की मदद से ये काम चल भी रहा है और मैं हमेशा उनका थैंक यू शुक्रगुजार रहता हूँ। वॉलंटियर्स अपने खर्चे से आते हैं, हम उन्हें कोई ऐसा एक्सपेंस नहीं देते हैं, जितना समय मिलता है उतना कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशन हम रन कर पा रहे हैं। फैमिलीज ने कभी नहीं कहा कि अब ढंग के नौकरी वोकरी करो, रेगुलर जॉब करो, ये क्या
फंस गए हो? बिल्कुल, फैमिली और रिलेटिव्स, फैमिली से ज़्यादा रिलेटिव्स को ये बात लगती है, फ्रेंड्स को ये बात ज़्यादा चुभती है कि भाई हमारी तरह जॉब वॉब करो, तुम ऐसे फ्री कैसे रह सकते हो, फिर उन्हें फ्री लगता है कई लोगों को ये काम, समाज सेवा फ्री लगती है, जबकि समाज सेवा भी बहुत ज़रूरी है, लाइवलीहुड भी बहुत ज़रूरी है, फैमिली भी। सब ये सवाल करते हैं कि ये तो रिटायरमेंट के बाद ये काम शुरू करना चाहिए, सोशल वर्क है। देखिए, देश को बनाने के लिए युवाओं का अहम रोल है। क्या हम रिटायरमेंट के बाद देश की सेवा करेंगे? ये देश और पर्यावरण की सेवा है। एनवायरनमेंट हमें पैदा होने से पहले ही सपोर्ट करना शुरू कर देता है, तो हम क्यों वेट करें कि हम रिटायरमेंट के बाद एनवायरनमेंट की मदद करेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था और 2 साल वहाँ पे जॉब की अच्छे से, लेकिन पैरेलली ये काम भी चल रहा था उस समय पे, जल चौपाल, थोड़ा थोड़ा तालाबों में, RTI में। लेकिन जब लगा कि हाँ, सब सस्टेनेबिलिटी आ गई है, अब जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो जुनून था वो एक लिमिट क्रॉस कर गया, तो फिर लगा कि अब जॉब में से दोनों हाथों में लड्डू नहीं रख सकते, हम एक को छोड़ना ही पड़ेगा, तो वो जॉब का लड्डू छोड़ के पूरी तरह से एनवायरनमेंट के फील्ड में कूदे। विक्रांत और रामवीर, अब आगे इस काम को कितना आगे ले जाना है? जहाँ तक आगे ले जाने की बात है, ये काम आगे जाएगा, क्योंकि हमने जीवन के उस दौर पे काम शुरू किया है, क्योंकि हमारा जीवन पूरा पड़ा हुआ है हमारे सामने, तो ये काम मरते दम तक रहेगा और इसको इसी ईमानदारी के साथ सस्टेन करने की हमारी कोशिश है, और इसमें और लोगों को जोड़ना चाहते हैं हम, और सीधे पब्लिक को इससे फ़ायदा मिले, पर्यावरण का लाभ सीधे सीधे लोगों को महसूस हो सके, हम उस पर भी फोकस करेंगे। तो हम इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और बढ़ाना चाहते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि ये उनके लिए काम हो रहा है, पर्यावरण के लिए काम हो रहा है। कई बार ये कॉमन क्वेश्चन है आजकल कि आप कितना करना चाहते हैं, तो मेरा हमेशा आंसर आता है कि ये पैशन की वजह से स्टार्ट किया है, और मुझे नहीं लगता कि अब ये काम रुकने वाला है, जब तक है जान तब तक वाली बात है ये, तो तब तक करना है, टारगेट यही है लाइफ का। देश का युवा अगर ठान ले कि देश को, इसकी धरती को, इसके हवा पानी को बचाना है, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता। विक्रांत और रामवीर के इसी जज्बे को हमारा सलाम। I am extremely happy to see the work being done by Mr. Ramvir Tanwar and Mr. Vikrant Tongad. Both the young men are passionate environmentalists who have made it their life's mission to clean and revive dying ponds and water bodies. Such stories of our fellow countrymen are exemplary and indeed energize and inspire us. Reiterating our commitment to building a clean and green India, Indian Oil has been spreading awareness on water conservation, rainwater harvesting, etc. since many years now. In order to protect the existing water bodies, which are the lifeline of our country, Indian Oil spearheaded a major initiative for management of water bodies in July 2019. We cleaned up approximately 37 water bodies across India. Our employees took it upon themselves to help clean the periphery of the water bodies that was usually littered with waste of all types, with plastic, cloth, kitchen waste, metal scrap, etc. All such lake revival programs were followed by sensitizing the local residents and tree plantation in the vicinity to boost the ecosystem and restore the natural habitat. For the restoration and revival of these water bodies, our employees got involved and partnered with the local bodies as well as local communities, which got us very good response. When we were working to clean the Chakalavani Lake, which is one of the oldest and largest lakes in Hyderabad, spread over an area of about 11 acres, we were joined by the local volunteers. They helped us by visiting the nearby colonies and sensitizing the residents with regard to elimination of one-time use plastic items, proper segregation of waste into dry and wet waste, and many more. This experience was repeated when we undertook the restoration of the Ramchandranagar pond and Karniswaran temple pond in Chennai as well. I recall how we were joined by a team of 150 students from Ramjas College and other educational institutions when we took it upon ourselves to clean the Valsava Lake situated at Jahangirpuri in New Delhi. I am happy to say that even our business channel partners, our dealers and distributors, were present
to take up this major challenge of cleaning the entire lake, measuring over 35,000 square meters. It gives me satisfaction to share that by contributing in our own way, Indian Oil has helped restore some of these water bodies to their natural state. Just like our heroes Vikrant and Ramveer, we see this from a social engineering angle and involve the local people living in and around the banks of these water bodies so that they become party to the conservation of their water bodies. I wish Shri Vikrant Tongad and Shri Ramveer Tanwar all success in their inspiring endeavors. Aapko Indian Oil ka salaam. Salaam hai, salaam hai, salaam hai, salaam, salaam hai, salaam hai, salaam hai, salaam. Teri koshishon ko salaam hai, teri khwahishon ko salaam, 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 salaam. Teri koshishon ko salaam hai, teri khwahishon ko salaam, hai salaam. जमीन है ये जहान सबका जहान ये जमीन सबकी जमीन है ये जहान सबका जहान ये जो जल है इसका सभी का है ये जो कल है इसका सभी का है ये जो जल है इसका सभी का है ये जो कल है इसका सभी का है तूने प्रण से इसको बचाया है तूने मन से इसको सजाया Salam, 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 salam.